हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं नीट 2020 के एग्ज़ाम डेट के बारे में। एक अपडेट आया हुआ है कि क्या 26 जुलाई को होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी मिस मत करिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद किसी तरह का भी कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारी जानकारी। तो देखिए, NDTV, ये इंडिया टीवी की खबर है। JEE मेन नीट 2020 स्टेट एक्सटेंड लॉकडाउन, स्कूल कॉलेजेस टू रिमेन शट, व्हाट अबाउट नीट एग्जाम्स। तो देखिए, JEE मेन एंड नीट 2020 एस्पिरेंट्स हैड ऑलरेडी टेकन टू सोशल मीडिया एंड रेज्ड कंसर्न ओवर JEE मेन्स एंड नीट एग्जाम्स एम्ड द कोरोना वायरस पैंडेमिक। हाउएवर, द HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल इज स्टिल टू गिव अ फाइनल वर्ड ऑन द पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम्स। सो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी यहाँ पर देखिए, बड़ी बात यह है कि कितने एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि यहाँ पर कंडक्ट होने वाले थे जून जुलाई में, उन सभी को पोस्टपोन कर दिया गया। ICMR के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, और भी बहुत सारी UPSC का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब जो है फाइनल वर्ड वो बचा हुआ है, वो की है JEE मेन और नीट 2020 पर। इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। बच्चे इस चीज़ को लेकर के अब यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ JEE मेन और नीट पर एग्ज़ाम पर कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और इसी को लेकर के बच्चे परेशान हैं। देखिए, यहाँ पर अब लॉकडाउन भी एक्सटेंड कई स्टेट्स में भी कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन टिल 31 जुलाई, विच डिमांड टू पोस्टपोन द JEE मेन एंड नीट 2020 हैज डिपेंड। सो JEE मेन एंड नीट 2020 एस्पिरेंट्स हैड ऑलरेडी टेकन टू सोशल मीडिया एंड हैज रेज्ड कंसर्न ओवर JEE मेन एंड नीट एग्जाम्स इन द कोरोना वायरस पैंडेमिक। हावे, यहाँ पर HRD मिनिस्टर जी की तरफ से स्टिल यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। देखिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में भी यहाँ पर पहले जानकारी दी हुई थी कि कुछ जब JEE मेन की डेट डिक्लेयर हुई थी तब हुआ था कि 20 दिन पहले तक यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर JEE मेन्स का एग्ज़ाम जो है वो 18 से यहाँ पर अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा, 18 से 23 जुलाई तक का JEE मेन्स का, 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम है, तो एडमिट कार्ड के ऊपर बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए, CBSE के एग्ज़ाम्स तो कैंसिल कर ही दिए गए हैं। अब पेरेंट्स भी यहाँ पर काफ़ी परेशान हों, उन्होंने भी यहाँ पर राइट किया है मिनिस्टर जी को, हेल्थ मिनिस्टर को, कि और अपने पॉइंट्स भी रखे हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के एग्ज़ाम्स को पॉइंट सकें। 20 पॉइंट यहाँ पर, 16 पॉइंट यहाँ पर रखे हुए हैं कि क्यों एग्ज़ाम्स को जो है वो पोस्टपोन करना चाहिए। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्टेड 16 पॉइंट टू पोस्टपोन द नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट 2020। दिस डजेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ ओनली स्टूडेंट, इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ होल नेशन कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द कोरोना वायरस। सो यहाँ पर कुछ अपडेट्स यहाँ पर बड़े बड़े आए हुए थे। अब देखना यह होगा कि जल्दी से कोई ना कोई अच्छा जो है खबर, स्टूडेंट के हक की खबर मिलनी चाहिए। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके हमें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं दैट सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमको एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बिल्कुल परेशान मत होइए, रिलैक्स करिए, जो भी होगा आपको फैसला मिल जाएगा। अपडेट्स तो हम अपने चैनल पर देते ही रहते हैं, हर एक अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है, चाहे वो कोई भी अपडेट हो, ताकि आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएँ। बाकी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा आपके हक का ही होगा, आपके ऊपर फैसला ले लिया जाएगा जल्दी। आपके ऊपर कुछ भी डिसीजन होगा, जो भी होगा वो आपके ऊपर फैसला और डिसीजन अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। सो गाइस, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बेस्ट ऑफ लक। आप प्रिपेयर करते रहिए, मैं आपसे यही बोलूँगा, प्रिपेयर करते रहिए, प्रिपेयर एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, बस आप प्रिपेयर करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, अपने खाने पीने पर ध्यान रखिए, स्टेफ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं इतना ही आप लोगों से बोलूँगा, बाकी आपको अगर कोई भी और भी सवाल आ रहा है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।